यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? बस फाइन। आई विल टीच टुडे रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यारे बच्चों, जैसे मैंने पहले आपको पिछले साल भी सिखाया था, अब इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं और ध्यान से सुनना बेटा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। राजू यादव सेड टू आनंद, आई एम गोइंग टू दिल्ली। दूसरा है, राजू यादव टोल्ड आनंद दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, वाक्य ए में राजू यादव के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराया गया है और स्पीकर यानी वक्ता के शब्दों को इस प्रकार व्यक्त करने के ढंग को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा देखिएगा, राजू यादव टोल्ड आनंद दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, जो बी बी में जो राजू यादव ने राजू यादव के शब्दों का जो सारांश हमने अन्य शब्दों में दिया है, शब्दों के इस प्रकार के वर्णन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। और प्यारे बच्चों, इसको रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसको भी रिवाइज कर लेते हैं अभी। जो ये राजू यादव सेट टू आनंद, यहाँ तक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात बोली गई है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कॉमे में आती है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आती है, और रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कॉमा आता है। ओके बच्चों, और ध्यान देने वाली बात, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा कैपिटल होता है। और इसके अनुसार जो ये वाक्य है, जैसे मान ले कि इधर जो है, अगर एम आगे आता या हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आती तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके पीछे फुल स्टॉप है। और इसको देखते हुए जब हम इसको चेंज करते हैं तो कोमा और इनवर्टेड कोमा दोनों को हटा देते हैं और इस जगह हम लगाते हैं दैट, उसी जगह लगा देते हैं दैट। जैसे अर सेट टू की जगह है टोल्ड, सेट टू की जगह है टोल्ड। जैसे हमने आगे बनाया राजू यादव टोल्ड आनंद, राजू यादव सेट टू हटा दिया, ये टोल्ड आनंद कोमा इनवर्टेड कोमा हटा दिया तो इधर दैट लगा दिया। और ही क्यों लगाया? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसे बदलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन? राजू। राजू मीन्स ही एम वोज में जाएगा। आगे आगे मैं बताता हूँ आगे कैसे जाते हैं। वोज में गया गोइंग टू दिल्ली, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने देखो पहले आपको इधर पहले भी सिखाया था एस ओ एन का, जो मैंने एस ओ एन लिख के बताया था ना आपको, वो एस ओ एन एस एस के नीचे मैंने फर्स्ट पर्सन के लिखे थे। फर्स्ट पर्सन आई और वी, ऑब्जेक्ट के सामने लिखा था मैंने सेकंड पर्सन यो, और नो चेंज थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे। अगर रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर जो अगर आता है फर्स्ट पर्सन आई और वी, वो बदलेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यानी राजू। जो हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है ना, जैसे मैंने सेंटेंस में बताया था, तो सब्जेक्ट इसमें राजू है। अगर यहाँ पर है सेकेंड पर्सन तो बदलेगा ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राजू यादव है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आनंद है। तो यो जो है आनंद से बदलेगा। अगर यहाँ आता थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी किसी में चेंज नहीं होगा, वो केवल सेम रहेगा। और जो है टेंस बदलेंगे, टेंस बदलेंगे। अभी देखो मैंने कुछ आपके लिए उदाहरण बनाए हैं। ये प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेटिव बोलते हैं। सी सेड आई लाइक आइसक्रीम, सी सेड आई लाइक आइसक्रीम, सी सेड लिख दिया, कोमा इनवर्टेड कोमा हटा दिया, हटा दिया ना, यहाँ लगा दिया दैट। क्या लगा दिया? दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सी से बदलेगा, किसे बदलेगा? सी सी। और फर्स्ट पर्सन जो वर्ब की पहली फॉर्म से बदलेगी सेकंड में, किसे बदलेगी? सेकंड में। सी लाइक्ड आइसक्रीम, सी सेड दैट सी लाइक्ड आइसक्रीम। अगला देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब की पहले फॉर्म से एनजी लगाया था ना मैंने।
शी सैड आई एम लिविंग इन लंदन. ओके शी सैड दैट, शी सैड दैट, ये कोमा इन कोमा हटा दिया, देखो हटा दिया ना जरा, दैट लगा दिया और आई किसमें बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है ना तो सी में बदलेगा. इज एम आर क्या बनेगा, वोज वर, तो सी के साथ क्या लगेगा, वोज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, सी सिंगुलर बनेगा ना तो वोज लगेगा. सी वोज लिविंग इन लंदन. ओके बच्चों पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल की पहचान क्या है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आए. सी सेड आई बोट आई बोट अ कार, आई बोट अ कार, तो बनाए सी सेड दैट. आई का क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट से बदलेगा ना, फर्स्ट पर्सन. सी सी और इसका सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. सी सेड दैट सी हैड बॉट अ कार, सी हैड बॉट अ कार. आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूस. सी सेड आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट. वोज वर और वर्ब की पहली फॉर्म की साधन जी आता है तो किसे बदलेगा, हैड बीन वर्किंग. ओके हैड बीन वॉकिंग, हैड बीन बनेगा. सी सेड दैट सी, आई का सी बन जाएगा, सब्जेक्ट से बदलेगा ना, फर्स्ट पर्सन. सी हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट. आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट. सी सैड कोमा इन ट्रूमा बिगिन, आई हैवंट सीन जूली, आई हैवंट सीन जूली. सी सैड दैट आई का फिर सी बनेगा, सी सैड दैट आई का सी बनेगा, सी हैव का बनेगा हैड, हैड हैव नॉट का हैव बीन का बन जाएगा, हैड बीन बन जाएगा. सी सैड दैट सी हैड नॉट सीन, सी हैड नॉट सीन जूली. ओके बच्चों कोमा इनवर्ट को हटा दिया, दैट लगा दिया. पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चार मार्क लगा, देखो इसमें नो चेंज होगा. ओके नो चेंज होगा स्टार मार्क वाला. आगे विल का देखिएगा. सी सैड कोमा इनवर्ट को बिगिन, आई सी यू लेटर. सी सैड कोमा इनवर्ट को हटा दो, दैट लगा दो और आई सी में बन जाएगा, फर्स्ट पर्सन है ना. सी विल का वुड, विल का वुड, सी वुड सी मी लेटर, पीछे फुल स्टॉप. आगे देखो वुड नहीं बदला जाएगा, स्टार मार्क लगा दिया. ओके कैन का सी सी सैड कोमा नोट बिगिन, आई कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश. सी सैड दैट आई का क्या बनेगा, सी सी कैन का कुड स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, फुल स्टॉप लगा दो पीछे. आगे देखिएगा कोड का स्टार लगा रखा, अगला देखो इधर. सी सैड कोमा नोट बिगिन, आई शैल कम लेटर. सी सैड दैट आई का क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा. ओके बच्चों बना रखे, सी बना रखे इधर. सी सैल का सुड बन जाएगा, सैल का सुड. सी शुड कम लेटर, सी शुड कम लेटर. ओके बच्चों आगे शुड और माइट नहीं बदला जाएगा, मस्ट बदला जाएगा. मस्ट का बन जाएगा, देखो क्या बनेगा इसमें बताया. सी सैड कोमा इनवर्ट को बिगिन, आई मस्ट स्टडी एट द वीकेंड. क्या बना इसमें, सी सैड दैट सी मस्ट स्टडी, सी मस्ट स्टडी एट द वीकेंड. सी सैड दैट सी हैड टू स्टडी एट द वीकेंड. ओके बच्चों देखो इसमें डजेंट चेंज, स्टार जो लगा स्टार डजेंट चेंज. अब मैं थोड़ा सा क्या इसमें देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर रिपोर्ट स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए तो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है. इज ए मार्क सिंबल बोलता है वोज वर्ब में, हैज हैव किसे बोलता है, हैड में बोलता है. सेल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट. अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए वॉन्टिड मान लो, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, हैड वॉन्टिड.
और वो जो रहा है तो हेड भी नहीं बदल जाएगा। अगर किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में वो जो रहा है तो हेड भी नहीं बदलना और हेड एट नो चेंज। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ रिपोर्टेड स्पीच किया, बाकी पार्ट बाद में करेंगे, कहीं ये कई बार करना पड़ेगा। ओके बच्चों, और आशा करता हूँ इसको आप बार बार अपनी किताब में पढ़ेंगे और इसको सुनेंगे। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम। ओके, स्टे होम, सेफ होम। ओके, डोंट विजिट इन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच।